पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो टाइमलाइन से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल पावलोव का बर्थ और डेथ, कब क्लासिकल कंडीशनिंग आई, कब डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए, कब फर्स्ट पब्लिकेशन हुई, उनकी बुक्स कौन सी कब पब्लिश हुई, उनका वर्क जो था ट्रांसलेट मेन इंग्लिश में कब ट्रांसलेशन हुई उनकी, उनका वर्क जो था क्लासिकल कंडीशनिंग जहां पब्लिकेशन फर्स्ट थी जो, वो ट्रांसलेशन कब हुई, किसने की। तो इन क्वेश्चंस को याद करने के लिए, मेमोरी पर जो हमें बोझ पड़ता है उसको हटाने के लिए, एक तो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, साथ में कि उसको याद कैसे रखना है। सबसे पहले पावलोव मैंने हिंदी में लिख लिया और इसका उठा लिया, ये पहला अक्षर उठा लिया, ये चार बना और दो बार मैंने ये चार लिख दिया और इसको यहां पर मिला दिया, 49 बन गया। और नीचे लिखा है, यहां पावलोव लिखा है, यहां रशियन लिखा है, ये रशियन के श की आवाज को निकाल के मैंने यहां लिख लिया 36। ये याद रखने के लिए कि 49 से 36 ये हो गया बर्थ और ये हो गई डेथ। नेचुरली है कि अगल 1936 में डेथ होती है तो ये 1800 ही बनेगा 49, और इसी चार को फिर यहां मिड में लिख लिया ऐसे करके 04 बन गया। और ये था उनका नोबेल प्राइज प्लस सीसी मीन क्लासिकल कंडीशनिंग का जन्म हुआ। अब इसके अलावा जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी में, उसको याद रखने के लिए मैंने चार को यहां से उठाकर यहां पर ले गया कि क्योंकि ये जो ईयर्स दिए गए हैं इनको एक्सपेंड करना है, इसको भी इधर एरो लगा लिया। अब आप नेक्स्ट पेज पर भी कर सकते हो, यहां डिलीट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज का मैंने सिर्फ यहां पर लिख लिया नोबेल प्राइज प्लस सीसी, आप फुल लिख सकते हो। अब मैंने यहां पर ईयर लिखा कौन सा, जो 1890 का पीरियड यहां से शुरू होता है और यहां आ गए हमारे 04, ये वाला मेजर पीरियड। ये मैंने 90 यहां से क्यों लिखा, क्योंकि यहां से उन्होंने फर्स्ट यहां लिख लिया फर्स्ट डॉग एक्सपेरिमेंट और ये चला कब तक, 1900 तक। इट मींस उन्होंने ये 10 साल, ये मैंने इधर को करके लिखा, 10 ईयर जो थे डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इससे जब 7 साल की उनकी रिसर्च हो गई थी, ये जो 7 साल की रिसर्च हो गई थी ये हो गया 97, ये वाले मैं नहीं लिख रहा हूं। 97 में उन्होंने फर्स्ट पब्लिकेशन, पीयूबी पब्लिकेशन इतना लिखा, आप फुल लिख सकते हो, किस पर हुई, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। और इनके 5 साल बाद 1902 में इनके इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया, फर्स्ट ट्रांसलेशन, टू से मैंने ट्रांसलेशन याद रखा, इसमें इंग्लिश में इसने की डब्ल्यू एच थॉम्सन। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि नोबेल प्राइज और क्लासिकल कंडीशनिंग की जन्म यहां हुआ, लेकिन कई बार कई जगह इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि 2003 में क्लासिकल कंडीशनिंग का बर्थ हुआ, तो आप राइट ऑप्शन जो जनरली इंडिया में डाले जाते हैं वो राइट ऑप्शन 2004 है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है 1910, 23 से बना दिया मैंने 8 और लास्ट 32। 1910 में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर, ये मैंने वर्ड याद रखा है क्यों, क्योंकि ये वर्ड पावलोव के साथ ही एसोसिएट होता है, दैट इज वाई कुछ वर्ड्स किसी खास थिंकर ऑथर फिलोसफर रिसर्चर थ्योरिस्ट के साथ ही जुड़ते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड पावलोव के साथ ही जुड़ता है। और मैंने एरो निकाल लिया और 1910 में इन्होंने इनकी बुक जो नई छपी थी यहां सिर्फ एरो दे दिया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड पर ही छपी थी। और 1923 को मैंने यहां लिखा और थोड़ी दूर जाके फिर यहां लिखा, इनको मिला दिया क्योंकि ये बन गया ब्रेन एंड बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय पावलोव। ब्रेन फिर एसोसिएट ज्यादा पावलोव से होता है क्योंकि बेसिकली पावलोव ने सलाइवेशन पर, नर्वस सिस्टम पर, ग्लैंड्स पर, नर्वस सिस्टम यहां पूरा लिख लेना, नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन
ही उसका पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, उससे एसोसिएट किया कि ये बुक उनकी ही है, क्योंकि वो ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से, स्लाइवेशन से, फिजियोलॉजी से शिफ्ट हो गए साइकोलॉजी में, जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जन्म हुआ, बिहेवियरिज्म की तरफ बढ़ गए, तो बिहेवियर साथ में वहां से याद रहा, तो ये वाली बुक इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे याद रही। और ये नर्वस सिस्टम ऐसे इससे याद किया था, ब्रेन के साथ है, तो इसको एक एरो दे दिया कि 32 में नर्वस सिस्टम पर बुक लिखी बस, और बाकी बचा ये यहां पर 28, इसको एरो दे के यहां कंडीशनड रिफ्लेक्स पर बुक लिखी। जरूरी नहीं है, यहां पर मेरे पास कंडीशनड रिफ्लेक्स के 28 के साथ कोई एसोसिएशन नहीं बनी। हाँ, बुक्स की टाइमलाइन आपने देखनी है तो यहां से नोट कर सकते हो, लेक्चर ऑन वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, मैंने याद कैसे रखा है वो आपको बता रहा हूं कि मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड को सिर्फ याद रखा, और 97 जो पीछे करके आए हैं, फिर मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड को ही याद रखा सिर्फ क्योंकि पावलोव के साथ एसोसिएटेड है, 1910 लिखा हुआ टाइमलाइन में किया है, बी एंड बी को 3 के साथ जोड़ लिया, याद रह गया, लेक्चर ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस ये मुझे याद नहीं रहा, ऐसे एक्स को 8 करके याद रख सकते हैं, ऐसे एक्स को 8 किया तो ये 28 में हुई, वो आप बना सकते हो अगर ठीक लगे तो। नेक्स्ट है लेक्चर ऑन फिजियोलॉजिकल एंड नर्वस सिस्टम, मैंने बाकी याद नहीं रखा, आप पूरा याद भी रख सकते हो लेकिन वो मेमोरी लोड बढ़ता है, नर्वस सिस्टम को लास्ट में रख दिया, वो पहले जोड़ा था ब्रेन के साथ कि ब्रेन का पार्ट ही, नर्वस सिस्टम का पार्ट ही ब्रेन होता है, तो जो पीछे करके आए थे। हाँ, उनका सेकेंड एडिशन एक वीडियो में मैंने बताया था कि कंडीशनड रिफ्लेक्स का ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो उनकी डेथ के बाद 41 में पब्लिश हुआ था। तो ये थी टाइमलाइन, पावलोव, उनकी कंट्रीब्यूशन, किसी और थिंकर, ऑथर, थ्योरिस्ट, रिसर्चर की टाइमलाइन या उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आपने याद करने हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे मेजर जो एजुकेशन और साइकोलॉजी के थिंकर हैं उन पर वीडियो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो, लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।